सॉल दोदुम ने ऐसा क्यों किया? क्या सॉल दोदुम ने सही किया? चलिए आगे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। पिछले कुछ दिनों से सॉल दोदुम का नाम पूरे अरुणाचल में छाया हुआ है। करीब 230 किलोमीटर तय कर ये सज्जन अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कमेंग जिले के हेडक्वार्टर सेप्पा से अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर पहुंचे। आज की इस वीडियो में हम सॉल दोदुम के इस कदम को मेरी नजर से देखेंगे। आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिनके हम सब जवाबदार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वैसे आप सभी को पता है सॉल दोदुम के क्या डिमांड्स हैं। उनका पहला डिमांड है सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर सेप्पा टाउनशिप। उनके दूसरे डिमांड में है ईस्ट कमेंग के डिप्टी कमिश्नर का तबादला। तीसरे डिमांड है सेप्पा के पीएचई और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए एक फुल फ्लेज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मांग। उनका चौथा डिमांड है पीएचई और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भारत सोनम के खिलाफ एक एसआईटी इंक्वायरी। पांचवी डिमांड भारत सोनम का सस्पेंशन। और छठी डिमांड न्यारी वैली विलेज के डेवलपमेंटल वर्क्स पर हुए घोटाले पर कार्यवाही। सातवीं और आखिरी डिमांड सेप्पा टाउनशिप के जो रोड कंस्ट्रक्शन है, जो सीमेंट रोड कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन है, उस पर एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। इन्हीं डिमांड्स के साथ सॉल दोदुम सेप्पा से ईटानगर आए और इसके बाद क्या हुआ हमें और आपको बराबर खबर मिलती रही। मैं यहां इस वीडियो में किसी की सराहना करने या किसी का विरोध करने नहीं आया हूं, ना ही किसी का पक्ष लेने आया हूं। बस जो बातें मुझे समझ में आई और जिन बातों पर हमें अमल करना चाहिए, जिन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने आया हूं। सॉल दोदुम के कदम ने मुझे बहुत विचलित कर दिया और जाहिर सी बात है आप भी विचलित रहे होंगे। दोदुम के कदम के साथ और कई सारी बातें जुड़ गई हैं, कई बड़ी घटनाएं भी घटी, पर आज हम उन सारी बातों से परे करेंगे और समझेंगे आखिर ऐसे कदम उठाने के लिए लोग क्यों मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सरकार या सिस्टम के खिलाफ आग उगलने वाला हूं तो आप सही नहीं है। और मैं क्यों उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हम में से ऐसे कितने हैं जो खुद इसलिए पढ़ाई करते हो ताकि हम समाज का भला कर सकें? ऐसे कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाकर पढ़ाई करवा रहे हों कि भले ही तुम्हें कम पैसा मिले लेकिन समाज की तुम्हें सेवा करनी है, एक समाज सेवक बनना है। हमारी सोच में ही गड़बड़ी है। एजुकेशन सिस्टम सही है या गलत ये बात तो तर्क का विषय है, पर सिस्टम को जिस तरह से हम अपना रहे हैं, जिसे इसे अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से, ये बहुत हद तक गलत है। एजुकेशन या शिक्षा को हमारे समाज ने ज्ञान का स्रोत नहीं मानकर पैसे कमाने का, सॉरी काला पैसे कमाने का सबसे मजबूत सीढ़ी माना है। जब हम किसी को बड़ा घर या किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग यही चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, पर ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ये सब कहां से आए। क्या महीने में 50,000 की तनख्वाह खाने वाला 25 लाख की गाड़ी अपनी तनख्वाह से खरीद पाएगा? एक इंजीनियर जो 1 लाख की तनख्वाह खाते हो क्या वो जगह जगह जमीन खरीद कर 10-10 माले का घर उठा पाएगा? एक क्लर्क जिनकी तनख्वाह 40,000 की है क्या वो बड़े शहरों में करोड़ों का घर बना पाएगा? लोग हमेशा यही सवाल पूछते हैं ना, हमेशा दूसरों के गिरेबान में झांक कर उनकी बुराइयां करते रहेंगे, पर अपने गिरेबान में झांक कर लोग क्यों नहीं देखते? मैं नहीं जानता कि 1 लाख कमाने वाला एक इंजीनियर कैसे 2-2 साल की नौकरी में जमीन खरीद लेते हैं। मैं नहीं जानता कम तनख्वाह वाले क्लर्क कैसे गाड़ी खरीद लेते हैं, कैसे 10 माले का घर उठा लेते हैं। लेकिन मैं समाज से ये जानना चाहता हूं कि अगर आप और मैं उनकी जगह होते तो क्या हम गाड़ी खरीदना नहीं चाहते? क्या हम घर बनाना नहीं चाहते? आप और हम में ऐसे कितने लोग हैं जो गलत रास्ते से आए पैसे को ना कर दे, उसे ठुकरा दे? मैं नहीं कहता ईमानदारी खत्म हो गई है, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे यानी समाज के हाथों ये मर जरूर रही है। हम आज अगर किसी इंजीनियर को छोटी गाड़ी में देखते हैं या उनका घर छोटा देखते हैं तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। बहुत ऐसे चांसेस हैं कि वे बेचारे ईमानदार हों, पर उनकी ईमानदारी को हम उनकी नाकाबिलियत मानते हैं। तुलना करने लग जाते हैं कि उनके कलीग रिश्वतखोरी करके इतने आगे निकल गए, इतने आगे बढ़ गए और वो नकारा है। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूं? बताइएगा सरकार की तरफ से कितने डेवलपमेंट्स आते हैं? आरटीआई वाले ये बखूबी जानते हैं जो आरटीआई फाइल करते रहते हैं, पर
आजकल आरटीए वालों पर भी बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, पर खुशकिस्मती से सारे लोग ऐसे नहीं हैं। अगर एक शख्स ऐसे किसी काम में घोटाले कर गया हो तो उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को यह मौका मिल जाए तो क्या मौके में वो चौका नहीं मारेगा? खैर, यहां भी कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं और सचमुच समाज के हित में कार्य करते हैं, समाज के हित में सोचते हैं। सरकारें बनती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चाहे आप किसी को भी एमएलए बना लो, किसी को भी मंत्री बना लो, पर जब तक समाज नहीं बदलेगा कुछ नहीं होने वाला। इन सब में अगर सुधार चाहिए तो सुधार हम में, खुद में सबसे पहले करनी होगी। अरुणाचल प्रदेश में तो कई डेवलपमेंट्स हेफ्टी कंपनसेशन डिमांड्स के कारण ही लौट जाते हैं, वे आ ही नहीं पाती। मैंने तो कई किस्से ऐसे सुने भी हैं जहां उनको खबर मिली कि हाईवे आ रहा है तो उनकी रास्ते किनारे जमीन पर पेड़ लगाना शुरू कर देते हैं ताकि कंपनसेशन क्लेम कर सके। ऐसे में सरकार क्या करे? हमें और आपको कंपनसेशन देते रहे या डेवलपमेंट्स लाए? देखिए, आई एम नॉट सेइंग ऑल द कंपनसेशन क्लेम्स आर फेक, बट यस यू ऑल्सो विल एग्री विद मी दैट मोस्ट ऑफ देम आर फेक। और फिर कोर्ट कचहरी, इतने समय तक तो कुछ प्रोजेक्ट्स शायद एक्सपायर होकर लौट भी जाते होंगे। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूं। अरुणाचल प्रदेश में दो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एक ईस्ट और एक वेस्ट। जस्ट कंपेयर द रोड्स। एक बार आप तेजू से पासीघाट होते हुए ईटानगर जाइए और दूसरी बार आप यिंकियोंग से आलो दापोरिजो होते हुए ईटानगर जाइए। यहां भी आप पॉलिटिकल लीडर्स को दोष दे सकते हैं, वे जवाबदार हैं। पर मैंने एक बड़े नेता को यह कहते सुना है कि ईस्ट अरुणाचल के लोगों को रास्ते चाहिए और वेस्ट अरुणाचल के लोगों को कंपेंसेशन चाहिए। और पता है, खुशकिस्मती से मैं वेस्ट अरुणाचल से हूं। ये अफवाह है या सच ये भी मुझे पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां इलेक्शंस के समय वोटों के बदले बोलेरो कार्स तो ले ली उन्होंने, गाड़ी तो मिली पर उस गाड़ी को ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं बना पाए, मतलब गाड़ी उस जगह कभी पहुंची ही नहीं। अब ऐसी गाड़ी का क्या फायदा जिसे आप घर ना ले जा सको? इसमें किसी उम्मीदवार, विधायक या मंत्री को गलत ठहराने की कोई बात ही नहीं है। पैसे लेने वाले तो लेंगे ही, वोट बेचने वाले तो बेचेंगे ही। अगर हमें पैसे नहीं दिए गए तो हम तो किसी और को वोट कर देंगे ना। अब बेचारे जीतने के चक्कर में उम्मीदवार कैंडिडेट्स हमें पैसे दे देते हैं, अब अगले 5 साल जीतने के बाद भी उसी खर्चे को मेकअप करने के लिए उसी के पीछे पड़ा रहेगा, फिर हमारे यहां रास्ते खाक आएंगे। और राजनीति में यही चीजें विद्यार्थियों को भी अभी विरासत में मिल रही है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी अभी करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या इसी मानसिकता के साथ आज के युवा पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे? इसीलिए तो कोई भी स्टूडेंट लीडर अपने कार्यकाल में अगर लाखों की जमीन और घर ना बना पाए तो शायद उनसे यह कहा जाता है कि उसने मौका गंवा दिया। कम ऑन बड़ी, यू आर द फ्यूचर। अगर ऐसी प्रैक्टिसेस समाज में पनपती रही तो चाहे हजारों क्रांतिकारी आए तब भी कुछ नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि सौ दो दुम कितना सही है और कितना गलत है, और ना ही मैं किसी इंडिविजुअल पर आरोप लगा रहा हूं। सही और गलत का फैसला करना मेरे हाथों में नहीं है, यह मेरी बस की बात नहीं है। पर हां, इतना मैं समझता हूं कि समाज में गंदगी और भ्रष्टाचार फैलाने में समाज का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। अभी कुछ दिनों में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन यानी आपसू का चुनाव है। मैं हाथ जोड़कर अपने युवा साथियों से अपील करता हूं, आने वाले भविष्य के दिनों को अभी से ही अंधकार में ना डालें, या यूं कहिए थोड़ी सी रोशनी के लिए अभी से ही अपने घर को आग ना लगाएं। फिर 2024 में हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में असेंबली का चुनाव है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। समाज को भ्रष्ट होने से बचाइए, भ्रष्टाचार खुद ब खुद मिट जाएगा। भावना में बहकर अगर हिस्से से ज्यादा कुछ बोल गया हूं तो माफ कर दीजिएगा। क्या करें, मेरे अरुणाचल का सवाल है, मेरे भारत का सवाल है। अगर लेकिन मैसेज आपको सही लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय अरुणाचल, जय हिंद।